अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ काली मिर्ची का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो हम शुरू करते हैं। देखिए आज छठवा रोज़ा है, आज मैं ये बनाने वाली हूँ। ये सब ले लेंगे अपन, जल्द से जल्द बताऊँगी मैं तुम्हें को बनाना। देखिए इफ्तार का टाइम हो रहा है ना, उसलिए मैं जल्द जल्दी करूँगी। 5 पल्ली मीडियम साइज़ की कट करके रख ली थी, उससे मैं तल लूँगी। 2 पल्ली तेल डालकर कुकर में, क्योंकि कुकर में जल्द से जल्द बनता है सालन और जल्दी भी बन जाता है, इसलिए मैं जल्दी बनाना बता रही हूँ मैं आपको। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिए। आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आगे तक जाने का मौका दीजिए, दुआओं में याद रखिए मेरे को। देखिए प्याज तले जा रही है, उससे थोड़ा टाइम लगता है प्याज तलने के लिए। काली मिर्ची का सालन बोलते हैं, इफ्तार में बना रही हूँ मैं। देखिए फुल फ्लेम पे रखिए, थोड़ा टाइम लगता है इसे तलने के लिए। प्याज तले जाती है ना, थोड़ी सी होती है, इसलिए प्याज ज़्यादा तलना चाहिए। देखिए अभी टाइम पे इतनी सी हुई है। देखिए रमज़ान में बहुत सारा सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को, मेरे को आगे जाने का एक मौका दीजिए। आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए प्याज लाल हो गई, देखिए बस है इतनी सी प्याज लाल। अब मैं अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डालूँगी बड़े चम्मच से। तो गरम की भाप से ऐसा हो रहा है। देखिए 1 चम्मच डाल ली मैं बड़े चम्मच से। मटन डालूँगी मैं, 1.5 किलो ली थी, धोकर कट कर कर रख ली। देखिए हरी मिर्च डालूँगी मैं, 10 से 15 पीसना चाहिए हरी मिर्च, क्योंकि मेरे पास पीसी हुई थी हरी मिर्च तो मैं डाल ली। 2 चम्मच नमक डाली, फिर भी आपके टेस्ट के साथ डालिए। काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर डाली मैं, काली मिर्च 2 चम्मच डाली छोटी चम्मच से। हर कोथमीर पुदीना डाली, अगर से आप अलग काली मिर्च, हरी मिर्च, कोथमीर, पुदीना अलग से पीस कर भी डाल सकते हैं। मैं अलग अलग मेरे पास पीसे हुआ था तो मैं डाल ली। 2 गिलास जितना पानी डालूँगी अब मैं। देखिए इसे अच्छे से मिला लूँगी। हल्दी वो सब डाल ली मैं, अब कुकर का ढक्कन लगा कर रख डालूँगी मैं फुल फ्लेम पे। 4 से 5 सीटी देखूँगी। देखिए 5 सीटी देखी, माशाल्लाह कितने अच्छे से बन गया है। देखिए सिर्फ इसको अपन थोड़ा सा भून लेंगे, तो प्याज है ना चमचे से थोड़ा सा भूनेंगे इसे। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से लग रहा है। प्याज तल कर ही बनाना चाहिए काली मिर्ची का सालन, अच्छे से बनता है। या नहीं तो प्याज ऐसे ही डालेंगे तो प्याज की वो आएंगी कच्ची कच्ची, इसलिए तल के बनाइए आप प्याज। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से लग रहा है ना, इसे मैं भूनूंगी चमचे से। देखिए अभी थोड़ा सा भुनी, उससे पहले ही प्याज पूरी सी गल गई। अब मैं एक भगोने में डाल लूँगी। देखिए आप मीडियम से, मीडियम या कैसा रखते हैं आप रख सकते हैं, इसे गाढ़ा ही रखना चाहिए। देखिए मैं इतना से रखी बस है मेरे को इतना सा। देखिए प्याज में कितनी ली, कितना सा हुआ सालन। ये प्याज ज़्यादा भी लिए तो आपको थोड़ा ही बनता है। मैं स्लो फ्लेम पर रख डालूँगी दम के लिए। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए बनकर तैयार हो चुकी है अपनी रेसिपी। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से बना, कुछ नहीं करी सिर्फ मैं प्याज को तली, ढक्कन लगा दी कुकर का, बनकर तैयार हो चुकी है रेसिपी अपनी। माशाल्लाह देखिए तीरा भी कितने अच्छे से आया है, इसमें पुदीना रखी मैं। देखिए आप भी बनाइए, बहुत अच्छे से लगती है ये रेसिपी। देखिए फिर नई रेसिपी के संग फिर हाजिर होंगे मैं। अल्लाह हाफिज़।